ओम शांति। आज की तारीख है 30/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे उसकी विधि क्या है? उत्तर है, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रहे। गीत, बहुत प्यारा गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया नवयुग आया। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। नंबर दो, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूरत भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के भी प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के जैसे की छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूरत बन, सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूरत बनेंगे। स्लोगन है, परमात्म मिलन की मौज में रहो। बार बार वो दृश्य याद करते रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।